जय श्री कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे लड्डू गोपाल ड्रेसेस में। आज की वीडियो में मैं आपको ये ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। इसमें जो ये फ्लावर्स लगे हैं ये हैंडमेड फ्लावर्स है जो हमने साटन रिबन की हेल्प से बनाए हैं। तो आपको वीडियो में मैं ये फ्लावर्स बनाना भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या मटेरियल चाहिए। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने एक लिया है कॉटन का कपड़ा, ये मैंने पिंक शेड में लिया है। ये साटन रिबन, ये मैंने हाफ इंची रिबन लिया है। एक ये बाउंड्री के लिए लेस जो हम ड्रेस की बाउंड्री पे लगाएंगे। एक ये फ्लावर्स को टाई अप करने के लिए ये थ्रेड लिया है मैंने। एक स्टोन्स का, ये पेस्टिंग स्टोन्स है, ये मैंने सिल्वर कलर के लिए है। जबकि जो मैंने आपको पोशाक दिखाई है उसके अंदर मैंने फ्लैट मोती का यूज किया है, पर्ल्स का। आप उसकी जगह जर्कन्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और एक ये रिबन, ये पतला रिबन लिया है मैंने, ये मैंने लिया है इसकी बेल्ट के लिए। और एक ये टैटरन का पीस, ये मैंने ऑलरेडी 6 इंच का कट कर लिया है 2 नंबर की पोशाक के लिए। और ग्लूगन की काफी हेल्प रहेगी इस ड्रेस में, तो ग्लूगन को लेना आप मत भूलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर कि हमें ये ड्रेस कैसे बनानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर्स से। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लावर्स कैसे बनाने हैं। ये मैंने इतना पार्ट यहाँ छोड़ दिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करके, वन फोल्ड टू फोल्ड। इस तरह से कई फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए मैंने यहां से ऐसे, अब ये जो लास्ट पीस बचा है यहां पर, इसको इस तरह से पकड़ लीजिए। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, कुछ इस तरह से लेयर्स। और इसको थंब से यहां से पकड़ के, ये देखिए हमारा फ्लावर तैयार है। अब हम इसे टाई अप कर लेंगे। थ्री टाइम्स आप इसे टाई अप कर लीजिए ताकि ये खुले ना। ये देखिए हमारा फ्लावर तैयार है। अब हम यहां से इसे कट कर लेंगे। मैं आपको एक फ्लावर और बनाना बता देती हूँ। फर्स्ट then fold, fold and fold. ये देखिए मैंने पहले से ही कुछ फ्लावर्स बना रखे हैं, हम इसे एक बार साइड कर देंगे। ये मैंने पिंक शेड में, पिंक शेड में, हम दो कलर के कॉम्बिनेशन में ये पोशाक बनाएंगे। ये मैंने 50-60 की फ्लावर्स बना ली है। तो अब हम इसका बेस बनाएंगे। सबसे पहले बीस से यहां से कट कर लीजिए। सबसे पहले
वैसे बेस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें किस तरह से बनाना है। ये देखिए मैंने ये पेस्ट करके यहाँ से कटिंग भी कर ली है इसकी। अब हम यहाँ से कट करेंगे। रिबन का यूज करेंगे। अब हम यहां से इसे पेस्ट कर लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा है स्टफ उसे हम कट कर देंगे। अगर आपको इसकी बेल्ट बनानी आती है तो आप उस बेल्ट का यूज कर सकते हैं, आप उसे बना लीजिए। अदरवाइज आप इसको पहले यहाँ से हल्का हल्का पेस्ट कर लीजिए। रिबन को लेंगे। कॉर्नर से इसे हल्का सा फोल्ड कर लेंगे ताकि इसके जो थ्रेड है वो ना निकले। से इसे इतना छोड़कर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये जो इसकी बेल्ट है वो तैयार कर ली है। अब हम इसकी चोली तैयार करेंगे। चोली मैं आपको इसके अंदर कुछ अलग तरीके की बताऊंगी, क्योंकि ये दो नंबर काना जी है काफी छोटे होते हैं तो उनके लिए बेल्ट वाली चोली काफी सही रहेगी, जो मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो कॉटन की ड्रेस के अंदर आपको बताई हुई है। इसको इतना यहाँ से कट कर लीजिए। सेवन टू एट इंच की ये सही रहेगी, सफिशिएंट रहेगी। एक तरफ से ये ऑलरेडी फोल्ड है, दूसरी तरफ से इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे ऐसे बना रहे हैं।
one fold, second here, and then from here. आप इसे स्टिच भी लगा सकते हैं और अगर ग्लू गन से पेस्ट करना चाहे तो ग्लू गन से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर ऑलरेडी एक स्टिच लगा लिया है। ये हमारी स्ट्रिप तैयार है। अब हमें इस तरह से इसे यहाँ से ऐसे ऐसे देख लीजिए वापस इसके जस्ट सेंटर पॉइंट से ऐसे और ऐसे हम यहाँ पर स्टिच लगा के आप देख सकते हैं ये इसके नीचे की तरफ यहाँ स्टिच भी लगा सकते हैं और ग्लू गन से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। स्टिच लगाए तो ज्यादा बेटर है। ये देखिए मैंने डबल स्टिच लगा लिया है। अब हम इसके बाउंड्री पे ये लैस लगाएंगे। इस तरह से ये देखिए हमने लैस लगा लिया है। अब हम फ्लावर्स लगाएंगे इस ड्रेस में। इस तरह से वन फ्लावर ये वन ये बिल्कुल पास पास आएंगे ये फ्लावर्स। इसी तरह से हम पूरी ड्रेस में फ्लावर्स लगा लेंगे। ये देखिए हमने ये पूरी ड्रेस पे फ्लावर्स लगा लिए हैं। डबल शेड के फ्लावर्स लगाए हैं। कितनी प्यारी लग रही है। अब हम इस पे स्टोन्स लगाएंगे तो ये और भी उभर कर आएगी। तो हम ये जो ये स्टोन्स मैंने पेस्टिंग स्टोन्स लिए हैं हम ये लगाएंगे। आप चाहे तो जरकन और मोती का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमने पूरी ड्रेस पे स्टोन भी लगा लिए है। आप चाहे तो हाफ पैटर्न बेबी पिंक हाफ पैटर्न डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। मुझे ये काफ़ी पसंद आया था तो मैंने ये पैटर्न चूज़ किया। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको पहनाने भी बता देती हूँ आपको ये वाली एक ड्रेस एक बार। ये देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी ले लिए हैं। ये ड्रेस को इस तरह से पहनाएंगे हम। आशा करती हूँ कि आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करिएगा। आप चाहे तो इसमें वन लेयर देकर भी बीच में पैचेस का भी यूज कर सकते हैं। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री कृष्ण।